जब दिल्ली मुंबई जाता हूँ ना, वो लोग बहुत बुली करते हैं मुझे कि भाई बंगाली में तुम बंगाली हो, बंगाली में जाके कॉमेडी करो, बंगाली में करो, हिंदी में मत करो प्लीज़, हिंदी में प्रॉब्लम होता है, तुम्हारा एक्सेंट वैक्सेंट ख़राब है। मैंने कहा ब्रो, बंगालीज आर बॉर्न स्टैंड अप कॉमेडियंस, जस्ट आस्क देम टू स्पीक टू इन हिंदी। मैं ट्रेन में लोअर बर्थ पे था, ऊपर से एक बंगाली आंटी बोल रही है, भाई साहब थोड़ा हॉटी है, वहां पे पा देंगे हम। पादना है पा दिए सर मेरे। वो मेरे से बहुत बहुत प्यार करता था, मतलब ही वॉज गे पर्सन, ओके। तो वो मेरे उसके साथ सो गया एक दिन, ठीक है, मतलब अबे बगल में सोया था लौड़े, हाँ, तो बगल में मैं उसको, वो मुझे बुलाया रात को, बोला नासिब भैया आप आ जाओ, भैया बोलता था मुझे, नासिब भैया आप आ जाओ, आप जस्ट सो जाओ मेरे साथ, विल स्पेंड गुड टाइम। हम लोग एक फिल्म देख के मैं सो गया, वो भी सो गया, रात 2 बजे मेरा नींद खुला। ये लोड़ा चूस रहा है, हाँ वो चूस रहा है, मतलब ऑलरेडी अभी मैं ना सरप्राइज भी किया लौड़ा, ये सेक्सुअल असॉल्ट है, ऑफेंस लेना चाहिए क्या, समझ में नहीं आ रहा, मतलब अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे समझ में नहीं कि मैं क्या ही करूं अभी, ठीक है, तो मैं आंख बंद कर दिया इसे, ठीक है। सुबह उठ के बोला भाई क्या कर रहे थे तुम रात को, बाहर जाओ कभी कभी आना, अच्छा तो लगता है। आई बिलीव इन माउथ हैज नो जेंडर, मुंह का कोई जेंडर नहीं होता लौड़ा, सब कुछ जेंडर। मैम आप अभी भी ऐसे ही हंस रही है भाई, मैम क्या हुआ ये बोली अभी तक? मैम थोड़ा सा ट्राई करें, खुल के हंस नहीं, नहीं मैं उसको बोल रही थी आपने बटन बंद नहीं किया। अच्छा ये सेक्सुअल कुछ ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है कुछ? नहीं ये क्या किया मैं, लड़कियां लौड़ा यहाँ तक खोल दे रही है और मैं इधर यहाँ तक ये खोल ना पाऊ, चल ये तो उल्टा रिवर्स फेमिनिज्म हो रहा है मेरे ऊपर लौड़ा। मैं यहाँ भाई तुम लोग बताओ, मैं यहाँ खोल नहीं सकता? आराम से पूरा ही खोल देंगे राइट, तुम तो यार मेरा खोलो ना यार, खोलो यार, शो कॉमेडी शो नहीं करेंगे इधर, एसी चलाओ लौड़ा। मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स हिंदू थे तो ऑब्वियसली उनके साथ रहने में ना तो अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते थे वो लोग कि भाई दिखाना कैसा है, अरे आपके आज लौड़ा केस होगा मेरे ऊपर, बाहर जाकर मैंने इंस्टाग्राम में नासिब तुम्हारे ऊपर केस चला, हैशटैग मीटू चल रहा है क्या? हाँ तुमने बोला था ना दिखाना कैसा है एक जन को, और फिर शर्ट खोल के तुम कुछ कर रहे थे। और एक चूतिया मुझे आके बोला कि भाई नासिब तुम्हें पता है इंडिया के भिखारी शो ऑफ करते, सपोज तुम ट्रैफिक सिग्नल में आ रहे हो, इंडिया के भिखारी को देखना बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते, भिखारी ट्रैफिक सिग्नल में कार के बगल में आके भाई मेरा हाथ कटा हुआ है, भाई मेरा पैर कटा हुआ है, देखा आपने, हाँ वो चुतिया मुझे आके आइडिया दे रहा है कि भाई तेरा तो ये वाला जोक मैं आपके सामने नहीं करूँगा क्योंकि इसके बाद एक और लाइन है, सपोज तुम जा रहे हो ठीक है ट्रैफिक सिग्नल में और मैं गया पे, दे दे बाबा कैसा लगेगा तुम्हें बताओ, ऐसा मत देखो कि मुंह में डाल लोगे, ऐसा मत देखो। बॉय स्कूल में हम लोग जब पढ़ते थे इन लोगों के वजह से, ये जो स्क्वेड इन लोगों के वजह से हम लोग को जेलसी होता था क्योंकि हम लोग इनके बारे में रूमर सुनते थे कि यहाँ क्वेड स्कूल में बाथरूम में होता है सेक्स और वीकली एक लड़की प्रेग्नेंट। हमारे बाथरूम में क्या होता था तुम लोग को पता है, हम लोग ड्रॉ करते थे कैसे सेक्स होता है, इतना क्रिएटिव पेंटिंग ना आप देखोगे ना, लिखा हुआ है पूजा रंडी, किसका पूजा, कौन पूजा रंडी, बस पूजा जो है रंडी है वो। एक जन लिखा मेरा इतना बड़ा नीचे से ऊपर तक, तो अगर ये सच है तो हमारे स्कूल में एक लंड घूम रहा है, बस वो घूमे जा रहा है, समझ रहे हो, ऐसे वो खड़ा हो रहा है, टीचर से हाय हाय सर। प्रॉब्लम कब होता था पता है, प्रॉब्लम तब होता जब एग्जाम में मेरा फ्रेंड बाथरूम में आंसर लिख के आया, मैं गया जाके चेक करो बॉडी पार्ट्स के नीचे कि भाई आंसर क्या है तुम्हारा। मैं एक बार मैथ्स का आंसर क्या दिया था पता है, कॉपी करके
पूजा रंडी का नंबर। मैं अपने फ्रेंड्स के घर पे जब भी जाता था, मतलब हिंदू फ्रेंड्स के घर पे जाके बोलता था मेरा नाम है नासिफ अख्तर नया। सपोज नया उसके घर गया, वो इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम है नासिफ अख्तर, बस रूम में एक थोड़ा सा एक दूसरे को देख रहे सब। और हर हिंदू फैमिली का एक असलम भाई होता है जो कि न्यूट्रल करता है, यू नो, पुराना दोस्त एक असलम भाई। तो सडनली उसका पापा चालू हो गया, हमारा घर पे भी एक असलम भाई थे, हम लोग एक साथ खाना खाते थे, हम लोग एक साथ बेड पे बैठते थे, हम लोग एक साथ ईद में गान मनाते थे। इनको ये बोलना चालू हो गया, एक्चुअली इनको इनडायरेक्टली बोलना था कि ब्रो बेटा वी लव मुस्लिम्स, प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना, बस इनको यही बोलना था। और आंटी प्लेट में अलग से खाना लाके, बेटा हो सके तो माफ करना वेज है। और आंटी लाई थी चाय बिस्किट। इनको लगता ना हमारे घर में बच्चा पैदा होता ना हम लोग माँ का दूध केएफसी खिलाते हम लोग। ये सब चीज होता था, जैसे कि मुझे बाद में पता चला कि आपको पता है ये चीज, एक फ्रेंड के घर पे मैं जाता था, ठीक है, उसकी मम्मी, बेस्ट फ्रेंड था मेरा, उसकी मम्मी जब मैं जाता था जिस चद्दर पे मैं बैठता था बेड पे, वो चद्दर चेंज करती थी वो मेरे जाने के बाद। ये दिस इज अ ट्रू स्टोरी, ये मुझे पता चला बाद में। पता चलने के बाद मुझे मतलब ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग लगा, हर दिन जाने लगा, एवरी डे जा रहा हूँ। 5 दिन बाद देख रहा हूँ बेड नहीं है, चेयर रखा हुआ। मैंने कहा आंटी आपके घर में कोई न्यूट्रल करने वाला असलम आया नहीं है? बोले था बेटा वो जमीन पे बैठता था, तुम उधर चुपचाप चेयर पे बैठो। एविएशन लाइट क्या होता है पता है? एविएशन लाइट होता है टावर बिल्डिंग के ऊपर एक रेड लाइट रहता है, एविएशन लाइट बोलते हैं उसको, बिकॉज ताकि प्लेन या हेलीकॉप्टर ये सब क्रैश ना करे, ठीक है। मेरे जो जहां मैं रहता हूँ उसके बगल में एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एविएशन लाइट है और बिल्डिंग है 2 तल्ला का। उसके ऊपर वो लोग उनको लगता है वो सारे जो नेबर है उनसे ऊपर है। बिल्डिंग का नाम है ब्राह्मण टावर्स। तो मेरा इंटेलेक्चुअल, तुम ये यहाँ एविएशन लाइट क्यों लगाया 2 तल्ला का बिल्डिंग में? मेरा 600 रुपए का ड्रोन उससे ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। और अगर कोई पायलट या फिर हेलीकॉप्टर और ये प्लेन का जो ड्राइवर है या पायलट जो भी है, अगर वो आपके बिल्डिंग का एविएशन लाइट देख पा रहा है तो वो तो क्रैश कर ही रहा है। आप टारगेट फिक्स कर रहे हो कि क्रैश कहां करना है, उड़ रहा है, सो वी आर गोइंग टू डाई, सॉरी। मात्र चोट, ये किसका बिल्डिंग है, उल्टा करके उधर ही खींचेगा। और मैं जहां रह रहा हूं ना, ये बहुत हाई फाई बिल्डिंग है, तो हाई सोसाइटी है, और मैं पला बड़ा हूं गांव में। तो हाई सोसाइटी में क्या होता है, हाई सोसाइटी में माँ नहीं रहती, मॉम रहती है, ठीक है। तो मैंने पार्क में देखा कि मॉम बोल रही है लिसन मॉम इज गेटिंग एंग्री, और मैंने कहा इसका वार्निंग होता है? हाँ, मेरी मम्मी मारने के बाद वार्निंग देती थी कि और मारेंगे, कभी कभी टाइम एंड प्लेस बता के थ्रेट, शाम को 7 बजे घर चलो, ये होता था हमारे साथ। और यहाँ अभी के बच्चे को जो बड़े करते लोग, जैसे कि रूम ब्राइट होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, सुपरस्टिशंस और भूत ये सब कुछ नहीं होता, साइंटिफिक तरीके से लोग बड़े करते हैं बच्चे को। मुझे कैसे मम्मी सुलाती थी पता है तुमको? मुझे बोलती थी बाबू सो जाओ, उधर भूत खड़ा है। बच्चे का गाड़ फटते हुए देखा है पाजी? बच्चे का इनोसेंट गाड़। मम्मी को लगता था मैं सो रहा हूं, मैं एक्चुअली हर दिन बेहोश हो रहा था। और मुझे पता है भूत दिखता भी था, बाद में पता चला दादी खड़ी रहती थी उधर। इंडिया का हर दादी भूत जैसा दिखता है, आपने देखा है? ऐसे ऐसे घूमते रहती है, पैर उल्टा करो तो पूरा एकदम मारी देंगे लोग उसके, थोड़ा थोड़ा ममता दीदी टाइप। वो भाई कॉमेडियंस का तो पैराडाइज है, ये इंटेलेक्चुअल जोक समझ रहे हैं, यहाँ कलकत्ता में कोई समझ नहीं पाते भाई। आप लोग बहुत अमेजिंग बंगाली नहीं है ना, इसीलिए बहुत अमेजिंग ऑडियंस, वाओ। और ये बंगाली में हम लोग शो करते हैं ना भाई, ये तो कॉमेडी क्लब हो गया, हम लोग कैफे में जाके बोलते भाई टुडे वील डू स्टैंड अप कॉमेडी शोज, 8 परफॉर्मर अंदर गए सारे निकल गए, पूरा खाली हो गया। एक बार एक बंदाबंदी मिली थी, ठीक है, हम लोग ऑडियंस में बंदाबंदी, उसको हम लोग 8 परफॉर्मर एक के बाद एक आ रहे, बंदाबंदी है बस, बीच शो के बीच में बंदी के पास फोन आया, बंदी उठ के जा रहा है, बंदा भी उठ के जा रहा है।
मैंने कहा भाई आप क्यों जा रहे हो? बंदा बोला मुझे जानना है वो किसके साथ बात कर रही है। बाहर निकले जाके अभी ये देख रहे हम लोग उनका शो। कैफे वाला बोल रहा है भाई उनको स्टेज पे बुलाओ।